नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, वज़ीर आज़म हाउस के दफ्तरी अमले से मुलाकात भी की। शहबाज शरीफ मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। कायम मुकाम सदर सादिक सिंजरानी ने उनसे हलफ दिया। कौम असेंबली इजलास में 174 अरकान ने हक में वोट दिया। शाह महमूद कुरैशी को कोई वोट नहीं पड़ा। तकरीब हलफ बरदारी में सियासी रहनुमा और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान को खुशहाल और जमहूरी मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं अमरीका का पाकिस्तान में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पर रद्दअमल। अमरीकी महकमा खारजा और तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी नजरिए में कोई तब्दीली नहीं। अमरीका और पाकिस्तान का आपस में तआवुन जारी रहेगा, किसी एक जमात की तरफदारी नहीं करते, कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ सदर की बात कब होगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मशावरत। मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के साथ खुजरा होंगे। JUIFA को 4, MKM को 2, BNP मेंगर, ANP जमहूरी वतन पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 1-1 वजारत दी जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ारत उज़्मा से फारिग होने के बाद अपने पहले जलसे का ऐलान। ट्विटर पर लिखा, बुध को नमाज ईशा के बाद पेशावर में इज्तमाए आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रिपोर्ट अदालत में जमा करवा चुके हैं। जिया खान में पुलिस मोबाइल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला और फायरिंग, ड्राइवर समेत 5 कांस्टेबल शहीद, DSP कराची जख्मी। डेरा मुराद जमाली में तकरीबकारों की गैस लाइन को उड़ाने की कोशिश। फारूक नाका के करीब पाइपलाइन में पर धमाका, गैस पाइपलाइन को जुज़्वी नुकसान पहुंचा।